नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA हिंदी की अर्थात हिंदी सामान्य दो की दूसरी कहानी दूसरी कमलेश्वर, अर्थात कमलेश्वर द्वारा दूसरी ये जो कहानी है उस कहानी का अध्ययन आज हमें करना है। कमलेश्वर मानवीय संवेदनाओं के सशक्त रचनाकार हैं। वे कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, गजलकार, समीक्षक, आलोचक, संपादक, फिल्म लेखक, पटकथा संवाद लेखन तकनीशियन एवं पत्रकार के रूप में कमलेश्वर का योगदान हिंदी साहित्य में अत्यंत सराहनीय है, उल्लेखनीय है। समाज जीवन की विभिन्न स्थितियों से कमलेश्वर परिचित होने के कारण समाज की विभिन्न प्रकार की स्थितियों को अत्यंत रोचकता एवं मार्मिकता पूर्वक उन्होंने साहित्य के माध्यम से उसे उद्धृत किया है। कमलेश्वर द्वारा लिखित दूसरे यह जो कहानी है उसमें आर्थिक समस्याओं का विवेचन किया गया है। सभी समस्याओं की जड़ यह अर्थ चेतना से संबंधित होती है और इसीलिए यह अर्थ चेतना हमारे जीवन के सभी हिस्सों को प्रभावित करती है। इसी तरह से इस कहानी में भी यह अर्थ चेतना या आर्थिक समस्या मध्य रूप में आप लोग केंद्र स्थान पर दिखाई देती है। यह जो कहानी है, इस कहानी की नायिका है सुनीता। सुनीता को कोई नौकरी नहीं थी परंतु दूसरों के वह काम करती है, जैसे दो बच्चों को पढ़ाना, दूध डेपो पर सुबह शाम जाकर वहाँ दूध बांटना, दफ्तर में जाकर किसी का काम करना। घर के सभी लोगों की निगाहें हमेशा सुनीता पर टिकी रहती है। वह सोचती है कि आखिर वह करना क्या चाहती है, सुनीता का उद्देश्य क्या है, वह क्या कर रही है। सभी बच्चों में वह बड़ी थी। अत्यंत बड़ी कठिनाइयों की स्थिति में उन्होंने BA तक की कक्षा उन्होंने पूरी की थी। उनकी पढ़ाई के लिए पिताजी बहुत मदद करते थे। मदद करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके पास जाकर भागदौड़ करते थे और उनकी फीस का वो इंतजाम करते थे। परंतु पिताजी जब किसी संस्थाओं के पास जाकर दूसरों के पास जाकर मदद की याचना करते तो यह बात सुनीता को बहुत चुभती है, यह उनके स्वाभिमान के खिलाफ लगती है। सुनीता के द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिलती और ये बेरोजगारी की स्थिति उसे बेहद दुख देती है। अतः अपने पारिवारिक दुखद स्थितियों को वह दूर नहीं कर पाती। जब उसे कोई काम नहीं होता था तब अपना ही घर सुनीता को पराया घर लगता था। माता पिता के द्वारा शादी की चर्चा करने पर उसे अपनी बेकारी का एहसास हो जाता था और इसीलिए शादी की बात उसे बहुत बुरी लगती है। बेकारी के दिनों में उसकी शादी की बात घर में चलती थी, घर में होती थी, वह उसे अपना अपमान बोध समझती है। सुनीता जब नौकरी करती थी तब वह स्वाभिमान के साथ वह अपनी शादी का विरोध करती है, कारण वह अपने पैरों पर वह खड़ी होती है। जो मनुष्य स्वयं के पैरों पर खड़ा नहीं होता उसे आजीवन अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है और उसी तरह से अपमान बोध यह सुनीता महसूस करती है। सुनीता के बहुत से सपने हैं। अगर नौकरी मिल गई तो धीरे धीरे वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो सोचती है शायद उनका अपना अलग कमरा होगा या अपने परिवार के घर के जो लोग हैं वो सम्मानित जीवन जी सकेंगे। सम्मानित जीवन की जीने की आकांक्षा उनकी अत्यंत स्वाभाविक है। पिताजी एक दुकान पर काम करते हैं परंतु उनके बुढ़ापे के कारण कुछ न कुछ गलतियां होती हैं और वह दुकानदार उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहता है। और ऐसी अवस्था में वो सोचती है कि अगर पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया तो आर्थिक विवंचनाओं का और अधिक सामना करना पड़ेगा। स्कूल में भाई बहनों की फीस अगर माफ नहीं होगी तो क्या होगा। सभी विषम परिस्थितियों की संभावनाएं
उसे बहुत सताती है, उसे बेचैन करती है। दूध डिपो का मैनेजर, उन्होंने इसीलिए उसे काम दिया था कि जिसके कारण वह उनका उपकार बोध वो महसूस होता है। वह दूध डिपो वाला मैनेजर उनके पिताजी हरिवंश लाल जी से कह देता है, हरिवंश लाल जी, आपकी लड़की को कहीं सर्विस नहीं मिलती है, तब तक दूध डिपो पर भेज दिया कीजिए, मैं कुछ कर दूंगा। 40-45 भी क्या बोरे हैं, साथ के जो ओवर शेयर साहब हैं वह भी उन्हें कह देते हैं उनके पिताजी को, बाबू हरिवंश लाल जी सुनीता से कहिए दो बच्चों को पढ़ा दीजिए, मैं 20 रुपये दिया करूँगा। अर्थात लोगों का जो उपकार बोध है वह उसे बहुत पीड़ा देता है और उनके स्वाभिमान को वह ठेस पहुँचाता है। बेकारी के दिनों में कर्ज वाले काफ़ी परेशान करते हैं। सफाई करने वाली जमादारिन तारीख निकल जाने पर वह गली के बीच जाकर चिखती है, चिल्लाती है। अतः सुनीता कहती है अपने लिए एक साड़ी खरीद लेने के लिए मन चोरों की तरह कतराता है, मतलब स्वयं के लिए भी वह कुछ नहीं कर पाता। वह सोचती कि ऐसी सर्विस मिल जाए, ऐसी नौकरी मिल जाए कि जिसके कारण यह जो नागपाश है, गले का जो फांस लगा हुआ है, वह जरा ढीला हो जाए और जिसके कारण जीवन जीने का थोड़ा सा अवसर उन्हें प्राप्त हो जाए। घर के सभी लोग एक दूसरों का मुंह ताकते हैं, उनका वह निर्णय कभी नहीं लेते, उनके परिवार के निर्णय दूसरे लोग लेते हैं तथा दूसरों के निर्णय पर वह निर्भर रहते हैं। जैसे घर में मशीन आ जाए कि न आ जाए, इनका फैसला उनकी अनुपस्थिति में कर्जदार लोग ही तय करते हैं। माँ के और बच्चे हो कि न हो, इसका फैसला ही दूसरे लोग अर्थात पड़ोसी लोग कर चुके हैं। पिताजी चुनाव में किसे वोट दे, यह भी दूसरे लोग ही तय करते हैं। बच्चे किस ढंग के कपड़े पहने, यह भी दर्जी तय करता है। अर्थात उनके घर के सभी निर्णय दूसरे लोग ही लेते हैं। इसीलिए तो कहानी का शीर्षक दूसरे है, दूसरे लोग उनके लिए फैसला करते हैं। किसी भी तरह का निर्णय वह स्वयं नहीं ले सकते, स्वाभिमान के साथ नहीं ले सकते। और इसीलिए एक अस्पष्ट और एक अव्यक्त गहरा घेरा जो है वो इनके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, जिसमें बाहर के ही लोग अर्थात दूसरे ही लोग उनका घर का निर्णय करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सुनीता शादी से इनकार करती है क्योंकि उनकी शादी का निर्णय या फैसला वह स्वयं लेना चाहती है। धीरे धीरे वह स्वयं छोटे छोटे फैसले करने लगती है, जैसे स्वयं के लिए ब्लाउज का कपड़ा खरीदने का अधिकार प्राप्त करती है, पिताजी को नया जूता खरीदने का अधिकार वह प्राप्त करती है। परंतु धीरे धीरे यह छोटा अधिकार भी उनका समाप्त हो जाता है और दूसरे अनजान लोग ही उनकी निर्णय प्रक्रिया में दखल देने लगते हैं। हर काम करते समय एक अदृश्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उनका हाथ पकड़ लेता है, उन्हें जकड़ लेता है। इसलिए एक अव्यक्त घेरा उनके इर्द गिर्द पड़ा हुआ है, जो दूसरे लोग ही उनके घर के सभी फैसले करते हैं। पिताजी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे। पैसों की तंगी के समय घर का इकलौता जो पंखा था वह बेचने की बात उठती थी। जिस समय यह सुनीता कमा कर लाती थी, उसी समय उनके शादी का नया रूप उनके दिमाग में उभरता है। उसे लगता है शादी का फैसला वह खुद करेगी। परंतु कोई आकर माँ से पूछता है सुनीता को क्यों रखा है, उनके शादी के बारे में बात चलाओ, पुरुषोत्तम बाबू के लड़के के साथ बात चलाओ। ऐसे अवस्था में सुनीता महसूस करती है कि उसकी शादी का निर्णय कोई और कर रहा है, उनका निर्णय वह नहीं कर रही है। अतः माता पिताजी भी दूसरों के दबाव में आकर वह उनके साथ शादी करने की बात करते हैं। श्यामलाल सुनीता के बारे में कहते हैं,
कि लड़का लड़का मैं बता देता हूँ, बाकी बातें आप खुद तय कर लीजिए। सुनीता को लगता है कि मैं इस फैसले को अब रोक नहीं सकती, कारण अनेक बार उन्होंने अपनी शादी के फैसले का विरोध किया था। हर बार एक शादी का नया रूप उनके लिए उभरता है। उन्हें लगता है अगर मुझे नौकरी होती तो अपना निर्णय मैं खुद लेती, स्वाभिमान के साथ मैं जीवन व्यतीत करती, सभी फैसले मैं लेती। कारण जिसका जीवन दूसरों पर निर्भर होता है उसे हमेशा अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मेरा निर्णय नहीं ले सकती, उनके निर्णय सभी निर्णय दूसरे लोग ले रहे हैं। इन्हीं लोगों ने उनके भाई और बहनों का भविष्य भी तय करके रखा है और माता पिता को इतना बेचारा बना दिया है कि वह उनके सामने कुछ भी बोल नहीं सकते। एक दिन पिताजी उनकी माताजी को पूछा था कि तुमने सुनीता से बात की, अर्थात उनकी शादी के बारे में किसी के साथ बातचीत हो गई थी, और इसीलिए वो अपनी पत्नी को पूछते हैं कि सुनीता के साथ बातचीत हो गई। और यह सुनकर सुनीता का हृदय धड़कने लगा। उसे लगा कि तमाम दूसरे लोग उनकी शादी का फैसला कर रहे हैं और उनका फैसला या उनका शादी का जो निर्णय है वह नहीं ले सकती, और इसीलिए वो विवश हो जाती है। माता ने सुनीता को उनकी शादी के बारे में नहीं बताया था, और इसलिए पिताजी के द्वारा सुनीता को बुलाया जाता है और पिताजी माताजी को कह देते हैं कि सुनीता को बता दीजिए उनकी क्या राय है, वह राय ले लीजिए। और ऐसी अवस्था में माँ सुनीता को अपने पास बिठाती है और उन्हें कह देती है, तुम्हारे मामा ने एक लड़का देखा है, उन्हें पसंद है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उन्हें पसंद है और वह लोग बहुत जोर दे रहे थे। तू तो जानती है बेटा, तेरे मामा ने हमेशा हमारा भला ही सोचा है, हर परेशानी में मामा जी ने साथ दिया है। साथ ही माता उस लड़के के बारे में अधिक जानकारी देती है, कह देती है लड़का नौकरी में है, 225 रुपये तनख्वाह मिलती है, तेरे मामा को पसंद है, अगर तेरी राय हो तो हाँ कर दे जाए, और मैं और पिताजी उस लड़के को देख कर आऊँगी। माँ बहुत संभाल कर अपनी पुत्री सुनीता के साथ बातचीत कर रही है, उसे समझाने की कोशिश कर रही है। सुनीता चुपचाप जमीन में आंखें गड़ाकर माता की बातें सुन रही थी। एक क्षण में उनकी स्थिति द्विधा हो गई, क्या करूं क्या न करूं, कौन सा निर्णय लूं या न लूं, उसी तरह की द्विधा अवस्था हो गई। उसकी आंखें डबडबा जाती है, अपने आंसुओं को रोककर जैसे दूसरों के आवाज में वो कहती है, जैसा कि आप ठीक समझे। माँ संतोष भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी पीठ थपथपाती है। पिताजी गहरी सांस लेकर लेटे रहे। माँ रसोई घर में चली गई। सुनीता भी अपने कमरे में लौट आ जाती है। जैसे सभी एकांत चाहते हैं। प्रस्तुत दूसरी कहानी में कमलेश्वर जी ने मध्यवर्गीय समाज की आर्थिक दुरावस्था का चित्रण किया है, आर्थिक विपन्नता का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज की मानसिकता का चित्रण किया है। अपने सभी फैसले एवं कार्यों में दूसरों का हस्तक्षेप होता रहता है, दूसरे न चाहने पर भी वह उनकी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और परिणाम तो दूसरों के प्रभाव तथा दखल देने के कारण उनके स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेखक ने इसी जीवन सत्य को इस कहानी के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है, अर्थात दूसरे ये जो कहानी है उनकी कथावस्तु में मध्यवर्गीय आर्थिक समस्याओं का चित्रण, उनका विवेचन देखा, सुनीता की आर्थिक मदद के लिए किस तरह से भागदौड़ करती है अपने परिवार को चलाने के लिए वह हम लोगों ने देखा, सुनीता का जीवन संघर्ष है, दूसरों का हर फैसले में दखलबाजी दिखाई देती है, माता पिता की असहायता दिखाई देती है। पात्र तथा चरित्र के रूप में सुनीता इस कहानी की प्रधान पात्र है। यह सभी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। उनके साथ उनके पिताजी हरिवंश लाल जी है, उसकी माताजी है, पिताजी है, उनके भाई बहन है,
और उनके साथ अन्य बाहर के जो लोग हैं उनका गौण पात्र के रूप में इस कहानी में चित्रण हुआ है। कथोपकथन के रूप में उनके जो संवाद है एक प्रकार की सहानुभूति तथा अनुकंपा उनके द्वारा प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। जैसे अनुकंपा प्राप्त करते हुए दूसरे लोग कहते हैं, हरिवंश लाल जी, जब तक अपनी लड़की को सर्विस नहीं मिलती तो दूध डेपो पर भेज दिया कीजिए, मैं कुछ कर दूंगा, 40-45 भी क्या बुरे है। मतलब एक प्रकार की सहानुभूति, दूसरों की जो हमदर्दी है जिसके कारण यह जो नायिका है वह अपमान बोध महसूस करती है। इस कहानी के देश काल वातावरण के रूप में आप लोगों ने देखा बेरोजगारी की समस्या का चित्रण इस कहानी में हुआ है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति भारतीय विशेषता खास रूप में दिखाई देती है। भारतीय पारिवारिक मर्यादाओं का चित्रण इस कहानी में हुआ है और आर्थिक विपन्नता का चित्रण कहानी में हम लोगों को दिखाई देता है। भाषा शैली के रूप में इस कहानी के रूप में देखते हैं, इस कहानी की भाषा पात्रानुकूल है, प्रसंगानुकूल है। मनोविश्लेषणात्मक शैली इस नायिका के देखती है, अपने मन ही मन सोचती है और उनका विश्लेषण वह करती है, अर्थात मनोविश्लेषणात्मक शैली तथा विवरणात्मक शैली। जैसे माँ के द्वारा उस लड़के का वर्णन किया जाता है, अर्थात वो विवरणात्मक एक प्रकार की जो शैली है ये शैली इस कहानी में दिखाई देती है। और इस कहानी का अंतिम तत्व जो है उद्देश्य, उद्देश्य रूप में अपने निजी तथा पारिवारिक मामलों में दूसरों की दखल देने की प्रवृत्ति के कारण मनुष्य का अस्तित्व वह किस प्रकार खो देता है उसका चित्रण इस कहानी में हुआ है। हर मनुष्य के अलग अलग सपने होते हैं, अपने जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई संकल्प होता है, परंतु दूसरों के हस्तक्षेप करने से उसका जीवन किस तरह से डावाडोल हो जाता है या दिशाहीन हो जाता है यह इस कहानी के द्वारा उद्धृत करने का प्रयास लेखक ने किया है। अर्थात इस कहानी में कहानी का शीर्षक है दूसरे, मतलब दूसरे ही लोग अपने जीवन में कितने दखलबाजी करते हैं, कितना हस्तक्षेप करते हैं और जिसके कारण उनका जीवन डावाडोल हो जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह सकता तथा स्वाभिमान के साथ वह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। आर्थिक विपन्नता के कारण दूसरों के निर्णय उन्हें स्वीकारने पड़ते हैं, यही इस कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। अर्थात कमलेश्वर जी द्वारा लिखित दूसरे ये जो कहानी है उसमें अपने निजी तथा पारिवारिक जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप किस प्रकार होता है उसे उद्धृत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।